तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो गाइस, इस वक्त हम निकल रहे हैं बरेली और कोशिश कर रहे हैं कि ईशान अली, जो काफ़ी फेमस चर्चित इंसान है, उनसे मिला जाए। कोशिश कर रहे हैं, तो पहुंच रहे हैं बरेली। गांव से निकल चुके हैं और ठंड भी है, 12 बज चुके हैं, और जैकेट मैंने साथ में ले ली है ताकि लौटते में हो सकता रात हो जाए तो ठंड ज़्यादा ना लगे। साथ में अमन को ले लिया है, अमन भी काफ़ी एक्साइटेड थे बात करने के लिए ईशान अली जी से। और वैसे तो गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली में, और बरेली के एक मोहल्ला है हजियापुर, यहाँ पर मौजूद है। और ये है जनाब ईशान अली जी का ये घर है, और अभी उधर जाएंगे, फिर चचा से मुलाकात करेंगे। तो गाइस, काफ़ी खुशी का माहौल है यहाँ पर, और काफ़ी सभी लोग खुश हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं, क्योंकि हम इस वक्त खड़े हुए हैं ईशान अली भाईजान के घर के बिल्कुल पास में। इधर उनका ये घर है, और ईशान अली भाईजान के साथ में हर वक्त वीडियो में नज़र आते हैं हमारे चाचा। चाचा को आप देख रहे हैं, ये वही चाचा हैं, लोगों पर राज करते हैं चाचा। और राज ऐसे ही नहीं करते हैं, राज भी करते हैं, मैसेज भी लोगों को देते हैं, और मैसेज ऐसा देते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी इनके मैसेज को फॉलो करते हैं और मानते हैं कि वाकई में चाचा ने लोगों की ज़िंदगी सवारी है। और तो चाचा, वाकई में आप इतनी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं कि हर तबका के लोग, चाहे बुज़ुर्ग हो या जवान हो या बच्चे हो या महिलाएं हो, कोई भी हो, सभी लोग आपकी वीडियो को पसंद करते हैं, तो ऐसा क्यों? भाई, हम काम जो है अपनी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। जी चाचा, हम लोगों की नीयत साफ है भाई। जी बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे अल्लाह मासो हमारी वीडियो चलती है। जी 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 जी। अच्छा चाचा, आप वीडियो लगभग कब से बना रहे हैं? मैं 2020 से बना रहा हूँ। अच्छा, यानी कि अभी दूसरा साल, दो साल लगभग। अच्छा चाचा, भुआ बाजार में वैसे तो आपके फैन हर जगह हैं, यूपी हो या फिर पूरा हिंदुस्तान, और विदेशों में भी हैं आपके सब्सक्राइबर्स और फैन भी हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो हमारे भुआ बाजार में कुछ यूनिक लोग हैं आपको जो चाहते हैं, पता क्या करते हैं? जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने नाती से कहते हैं बेटा लगा जरा ईशान वाली, वो लगा दे आज ईशान ने क्या डाला है, मतलब देहात में ऐसी कहते हैं। फिलहाल भगवा बाजार के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो क्या कहेंगे आप भगवा बाजार वालों के लिए? भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवा बाजार वालों, उसकी सलाह है, हम हाजिर है, आप लोग कभी भी आइए, हम लोग मिलेंगे आपसे। और ये हमारे भाई लोग आए हैं मिलने, उनके शुक्रगुजार है, परवरदिगार का एहसान है। अच्छा चाचा, कोई ऐसी खास वीडियो या कोई ऐसी खास आपको बात उसे एक्टिंग से जुड़ी हुई या शूटिंग से जुड़ी हुई कुछ बयां करेंगे आप? भाई, क्या शूट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, मुझे बताइए। जैसे बाई चांस ऐसा होता है, जैसे मैं भी शूटिंग करता हूँ, जाता हूँ, तो जी। कभी कभी शूट हम लगातार कर रहे हैं और पता लगा ओके हुई नहीं, मतलब क्लिप ऐसी हो गई। नहीं और... भाई, हमारी तो जब ओके होती है, जब हम शूट करते हैं तो पता लगा सीन कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कैमरामैन ओके करना भूल गया, मतलब प्ले जो भाई हमारे कैमरामैन जो हैं जी, वो जब भी एक्शन बोलते हैं, जब कैमरा उनका ऑन हो जाता है जी, नहीं उससे पहले नहीं बोलते हैं। खैर चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यही है ऑफिस, बिल्कुल जस्ट बराबर में ही ऑफिस है। तो ठीक है गाइस, अंदर चलते हैं ऑफिस में, बात करेंगे ईशान अली भाई साहब से। अंदर चलते हैं, एंटर होते हैं। तो गाइस, देखा आपने, अभी बाहर थे, चाचा जी से मुलाकात हुई थी, और अब हम ऑफिस में इस वक्त एंटर हो चुके हैं। और ऑफिस पता है किसका है? ईशान अली जी अली बरेली। और यहाँ पर मौजूद हैं महक जी भी मौजूद हैं, और भाई का तो मुझे नाम नहीं पता फिलहाल, क्या नाम है भाई? फिरोज खान। और ईशान सर मौजूद है, लेकिन पता है गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस में हूँ, मैं इन्हें सर कहूँ या भाईजान कहूँ या क्या कहूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। खैर, आपकी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी है, और आपकी पूरी टीम की मुस्कुराहट प्यारी है, और अंदाज हुए क्या कहने, आपके जो अंदाज हैं, जो कंटेंट है, जो स्क्रिप्ट है, इसी की वजह से तो आप करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी राज कर रहे हैं, विदेशों में भी राज कर रहे हैं। तो कहना चाहिए आप राज के बादशाह हैं। तो बादशाहत तो जो है कहते हैं नसीब से मिलती है, लेकिन YouTube का जो काम है गाइज, वो नसीब भी है, मेहनत और लगन ये भी है, दोनों चीजें हैं। तो भाईजान कैसे हैं आप? शुक्रिया खुदा का, परवरदिगार का बहुत करम है।
गाइस पता मेहनत काफी करते हैं भाई साहब, इसलिए थोड़ी सी आवाज अभी डाउन है लगातार, पता बहुत कम सोते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि ये कितना सोते हैं, कितना आराम करते हैं और काम कितना करते हैं। 8 घंटे सोता हूँ मैं और दिन भर काम चलता है, 3-4 शूट अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। अच्छा भाई जान ये बताइए, मैं कोई इंटरव्यू लेने नहीं आया, मुलाकात करने आया हूँ, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता है, फिर भी मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा ज़रूर भाई जान से। मुझे पता है बुरा खैर नहीं मानेंगे, क्योंकि आचरण बहुत ही खूबसूरत है भाई जान के, जैसे वीडियोज़ खूबसूरत हैं, संदेश खूबसूरत है, ऐसे ही आचरण किरदार भी भाई जान का बहुत ही खूबसूरत है। सबसे बेहतर आज तक, जैसे हर इंसान को अपने काम में पता होता है कि हाँ मेरा ये काम थोड़ा सा ख़राब हुआ या मेरा ये काम बहुत अच्छा हुआ, तो ऐसी कौन सी वीडियो है जो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा बेहतर है? मेरी सभी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसमें पूरी शिद्दत से काम करते हैं, क्योंकि आने वाले किस वक्त मैं इस दुनिया में ना रहूँ और वो मेरी आखिरी वीडियो हो, तो मैं नहीं चाहता कोई भी मुझसे कहे कि वो ये ईशान की आखिरी वीडियो ही दमदार नहीं थी। गाइस थोड़े से अल्फाज बोले हैं लेकिन इनमें पूरा समंदर समेट कर रख दिया है भाई जान। वो कहते हैं ना कि गागर में सागर भर देना, शायद ऐसे ही है कुछ, मुझसे ज़्यादा तो आप ज़्यादा कहावते जानते हैं फिलहाल, हालांकि मैं देहाई से बिलोंग करता हूँ, ब्लेस भोगा बाजार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा भाई जान, आपके यूनिक यूजर्स सब्सक्राइबर भोगा बाजार में है, तो उनके लिए आप कोई संदेश देंगे? मैं उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो वहाँ पर मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त वीडियोस को दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस को देखें, देखने के साथ साथ उनको अपने अमल में लेकर आएं, मतलब कि वैसे ही बन जाएं अच्छे नेक दिल। और महक जी बैठी हुई हैं और क्या कहें, इनकी भी तारीफ महक रही है, वो आप तो चैनल को देखते ही हैं। महक जी कैसा लगता है इनके साथ में आप काम करती हैं? अच्छा सर ने बहुत कुछ सिखाया होगा आपको, या आप पहले से कुछ ट्रेन थी? नहीं मुझे कुछ नहीं आता था, मैं जो कुछ भी यहाँ सर ने मुझे सिखाया है। फिरोज भाई आप क्या करते हैं, आप बड़े खामोश हैं। नहीं वैसे आप इनका सहयोग करते हैं भाई जान का, क्या सहयोग करते हैं आप? जी मेरे दोस्त हैं बचपन के। अच्छा अच्छा साथ रहे हैं, आज भी साथ हैं, टीम है हम एक। गाइस यही मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि जो इकट्ठापन होता है ना, जो टीमपन होता है, वो बहुत कम लोगों की चलती है। लेकिन मैंने देखा है, मैं तो खैर भाईजान की वीडियो जो है वो मैं 1 साल से देख रहा हूँ, जब से शायद वो गाना आया था करण अर्जुन का, इन्होंने बनाया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने वो गाना देखा था। तो जब मैं गाना देख रहा था तो मेरा माइंड में आया कि ये, क्योंकि मैं भी करीब 2 साल से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मैंने जब वो गाना देखा उसके अंदर जो इन्होंने पिक्चराइजेशन जो किया था, उसमें किरदार जो आए और जैसे सीन थे सभी कुछ वही प्रो के जब रखा था ना करण अर्जुन का, तो मैं दिल ही दिल में इनके लिए लाइक कर रहा था। वीडियो लाइक नहीं की थी लेकिन दिल ही दिल में इन्हें लाइक कर रहा था कि वाकई में ये है फन। तो बरेली के स्टार, हिंदुस्तान के स्टार और यूट्यूब पर राज कर रहे हैं हमारे भाईजान। और भाईजान कभी आप हुआ बाजार आएंगे क्या? इंशाल्लाह ज़रूर गाइस आएंगे ज़रूर, तब आप सभी लोग फिर वहाँ पर इकट्ठे हो जाना और देखना, बड़े खूबसूरत हैं उसमें तो नज़र आते ही हैं खूबसूरती। अब वैसे बात की जाए खूबसूरती की, तो कभी इंसान जब स्क्रीन पर आता ना तो काफ़ी कुछ संभालता है, मैं भी संभालता हूँ ताकि चेहरा अच्छा लगे, लेकिन भाईजान को मैं इस वक्त लाइव देख रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा स्किन पर कुछ नहीं लगा हुआ है और वैसे ही बस चमक रहा है सब कुछ, मन भी चमक रहा है, तन भी चमक रहा है, और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, तो अच्छा लगा इनसे बात करते हुए, और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले किसी ब्लॉग वीडियो। ओके बाय।